हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे क्योंकि कुछ बातें जैसे आपके लिए हो कुछ बिल्कुल नहीं हो। एंड सबसे ज़्यादा पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, क्योंकि बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन चालू होने के से बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। क्योंकि काफ़ी देर तक मैंने वेट की बट हो नहीं पाया, तो लेट्स सी कि थोड़ा कम हो गया आवाज़ तो मैं शूट करी हूँ। सो मेडिटेशंस जो भी रिक्वायर्ड रिचुअल्स मेडिटेशंस कंप्लीटेड हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। कैंडल जला रही हूँ। प्लेइंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश, उनका नाम लीजिए 3 बार, 7 बार। इट्स वाज यस काफ़ी लाइक नो फास्ट है एक्शन। और जिस तरह से फ्लेम जिस तरह से फ्लिकर कर रही है, तेज़ हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से कुछ एक्शन हो सकता है और वो भी पॉजिटिव। यस पॉजिटिव। और यस ये बात शायद कुछ लोग के लिए हो, बट फिर भी जिनके लिए है इनके वो है कि पॉजिटिव एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से। नंबर 3 एंड नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है आज के रीडिंग में। नंबर 3 एंड 7 ये काफ़ी अरसे से आपके तर नज़र रखे हुए है, और उस एनर्जी में या मतलब से आपका डीपी ना होना या फिर आपके डीपीज चेंज होना, स्टेटस स्टोरीज होना, कुछ तो है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ तो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और ये किसी सिर्फ जेलसी की बात नहीं है। एक वक्त आता है ना कि जेलस भी होते हैं किसी और के साथ आपको देख के। आपके लाइफ में कुछ और तो नहीं हुआ है, मूव ऑन तो नहीं कर लिया, बट यहाँ पे ना एक मुझे जो एनर्जी मिली है उनकी तरफ से जो एक्शन की, वो इसलिए है क्योंकि आप में एक अलग सी चेंज है, अलग सी एक बदलाव है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपके आसपास रेड कलर होने के चांसेस ज़्यादा है। रेड कलर का स्पेशली ऐसा लग रहा है कि क्लॉथ और कुमकुम, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और मुझे यहाँ पर ना पॉजिटिविटी की साइन ज़्यादा लग रही है, पॉजिटिविटी। सो सॉरी। इनकी फ्लेम जिस तरह है, इनकी फ्लेम इन द सेंस कि इनकी इमोशंस की बात कर रही हूँ, फ्लेम बता रही है कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और ख़ास करके ये मुझे लगता है कि ये आपकी मेहनत का असर है। हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हो सकता है, मतलब हो ही रहा है, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा उस इंसान के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपका कहना है कि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे एक फेकनेस की इमेज फील हो रही है। फेकनेस लाइक ना कि जो भी वो दिखा रहे, स्पेशली प्यार ना होना या फिर ऐसा झूठा, लाइक ना हो सकता है कि उनके फ़ोटोज़ हैं ना काफ़ी हद तक आज फिल्टर्ड ही हो, या नॉर्मल फ़ोटोज़ में भी बहुत ज़्यादा क्लमजी लगते हो या अपसेट लगते हो, क्योंकि ये ना दिखाना नहीं चाहते, या जो दिखा रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है ना कि वो अभी थक गए हैं अपनी सिचुएशन से लड़ते लड़ते। क्योंकि जब वो आपके साथ थे या आपके आपके लेकिन आप मना ही लेते थे, आप किसी तरह एनर्जी ट्रिगर करके या किसी भी तरह मना के कि उनको लेकिन आगे बढ़ना है, मोटिवेट रहना है, कितना भी लाइफ में तकलीफ हो लेकिन मोटिवेट रहना है, खुश रहना है, तैयार रहना है, वो सारी चीज़ें। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि वही सारी चीज़ें उनकी लाइफ में मिसिंग हैं। उनको जैसे ना कोई कुछ कहने वाला नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या पहन रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं,
मतलब इट्स लाइक पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि टेकन फॉर ग्रांटेड की फीलिंग बहुत ज़्यादा है इनके लिए. इसके लिए उनको अपने लाइफ में ना कहीं पर मोटिवेशन नहीं फील होता, और ऊपर से अपोजिट में यू नो दूसरी तरफ आपकी तरफ जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील होती है. जैसे ही आपकी स्टोरीज डीपीज प्रोफाइल्स कहीं पर भी नज़र आती है ना, एक अजीब सी पॉजिटिविटी है, अजीब सा कॉन्फिडेंस है, अजीब सी एक खुशी नज़र आती है उनको ना. बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है ना कि जैसे आप में ना ऐसा कुछ चेंज आया है, ऐसे कुछ चेंजेस आए थे वो जैसे वो चाहते थे. कभी दो चीज़ें हो सकती है, मतलब जैसे ना मान लीजिए कि आप में ना बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग थे, अब अभी वैसे नहीं है. आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बात करते हैं, पहले बहुत बातें करते थे कि जो भी आया मतलब किसी से बात कर लिया या दिल की बात कर ली या मतलब मन में कुछ नहीं है ना तो वो बहुत बात कर लिया कुछ भी. लेकिन आज क्योंकि वो हमेशा आपको बोलते थे कि किसी का भी ज़्यादा नहीं बोलना है, सोच समझ के बोलना है या कुछ भी है, तो ये कभी आपको समझा नहीं क्योंकि आपके मन में कुछ नहीं था. अभी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप में वो चेंजेस आए हैं, आप में ये चेंजेस उनके लिए नहीं किए, अपने लिए किए हैं, और वो चेंजेस बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी या कॉन्फिडेंस आप में ला रहे हैं. आपको भी समझ आ रही है दुनिया की कि दुनिया तो ऐसे ही चलती है. तो वैसे कुछ लेकिन पहले आप ज़्यादा बोलते थे, आप बहुत ज़्यादा भी सोच समझ के बोल रहे हैं, या फिर आप पहले काफ़ी ज़्यादा नॉन एक्सप्रेसिव या गुस्से में रहते थे, अभी आप बहुत ज़्यादा लाइक ना काफ़ी शांत हो गए हैं, बैलेंस होकर बात करते हैं. ज़रा ज़रा सी बात पे चिड़चिड़ करना, आर्गुमेंट करना, ये अभी आपको नहीं समझ में आए क्योंकि पहले ना आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे. अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आप बर्दाश्त करने लगे हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा वक्त देना चाहिए, थोड़ा समझाना चाहिए तब. लेकिन कंटिन्यूसली ये फ्लेम जिस तरह से है ना, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ना ऐसा लगता है कोई अबंडेंस, कोई गुड न्यूज़ जल्द से जल्द आने वाली है. क्योंकि और वो भी इनकी तरफ से, इनकी तरफ से जो भी है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा अचानक से पॉजिटिव होने वाली है अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो. जो भी चेंजेस मैं कह रही हूँ कि वो जो पॉजिटिव चेंजेस है वो डेफिनेटली अगर आपने किए हैं तो डेफिनेटली हो सकता है. यस, एक वक्त था जब जब ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा लाइक ना आर्गुमेंट होते थे कि तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो, बहुत ज़्यादा नैगिंग करते हो या ऐसा कुछ तो था. बट अभी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये उल्टा होते जा रहे हैं, धीरे धीरे से ये वो चीज़ में बदल रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सन हो गए हो, आप काफ़ी ज़्यादा एकदम हैप्पी गो लकी पर्सन. इसका मतलब ये नहीं है आप केयरलेस हो, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ रहे हो. आपको पता है ना कि अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो बोलने का मतलब क्या है, एक्सप्रेस करने के लिए कोई है नहीं, सामने कोई रिस्पांस नहीं हो रहा, तो आपने लाइक ना वो पीछा करना छोड़ दिया है, आपने उस तरफ जैसे ना उस उम्मीद से उस एंग्जाइटी में देखना छोड़ दिया है. तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही है यूनिवर्स को. जैसे ना आपकी ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ना ये इंसान ना आपको अभी ना उस तरीके से देख रहा है जैसे ना वो जिस तरह से आपको वो पसंद करके लाइक आपके प्यार में जैसे ना पागल हो गया था. वो एनर्जी, पॉजिटिवनेस, वो एक्साइटमेंट, वो एक एक आज़ादी है, वो एक इनोसेंस है, हर चीज़ है जैसे ना एक बैलेंस है वो चीज़ में है. तो इसीलिए ना वो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ वो एक नई सिरे से आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं. लेटर वी इम्पॉर्टेंट हो सकता है और मुझे पाइसेस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और एरीज साइन और जेमिनाई भी. और मुझे 69 एंजल नंबर अब दिख रहा है कि आपको शायद 69 एंजल नंबर काफ़ी बार बार दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके पास आएंगे भी और आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी के साथ आएंगे. भले आप कितना भी गुस्सा करो या कुछ भी है, वो चीज़ का जैसे उनको डर था वो ऐसा नहीं कि डर मिट गया है, बट ऐसा लगता है कि आपके डांट खाने को वो तैयार है आपकी ऑरा के लिए. मतलब आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है तो उतना भी करना मंजूर है, इतना आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं.
आपके बीच में ना जो मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है ना, वो खास करके सॉल्व होने वाला है. क्लैरिटी जो भी है ना, क्लियर लाइक बात होने वाली है, जो भी क्लियर है, आप भी अपनी बात खुल के रख पाएंगे और वो भी अपनी जो क्लैरिटी है या जो भी क्लैरिफिकेशंस हो या जो भी है वो सामने रखने वाले हैं. बाद में जो आपके डिसीजन होंगे, वो मुझे ऐसा लगता ना कि अभी ये डिसीजंस इस रिश्ते में क्या होना चाहिए आगे, ये काफ़ी हद तक अभी आपके ऊपर डिपेंड है. यस, आप क्या चाहते हैं ये अभी ज़्यादा मैटर कर रहा है या ज़्यादा मैटर करेगा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है. कैंसर साइन भी यहाँ प्रोमिनेंटली फील हो रहा है और वर्गो साइन भी. मुझे ऐसा लग रहा ना कि ये ना आपके साथ कोई ट्रिप पे जाना चाहते हैं. यस, मतलब दुनिया से दूर बस आप दोनों हो, दुनिया से दूर बस आप दोनों हो, ऐसा कुछ एनर्जी में वो जाना चाहते हैं. बहुत ना एक्साइटमेंट है इस एनर्जी में, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस एनर्जी में, जहाँ पे ना ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत कुछ जानना है आपसे, क्या हुआ क्या नहीं. अभी ना आपके बीच में, दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्लियर करना चाहते हैं. आपकी ऑरा से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी सोच समझ और जिस तरह से आप में चेंजेस आए ना पॉजिटिव, वो उनके लोग बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ, जैसे ना खींच रहे हैं, आपकी मैग्नेटिक पुल एकदम खींच रहे हैं आपकी तरफ. एंड वेरी पॉजिटिव साइन एंड चांसेस, यस ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, और वो भी काफ़ी जल्द नज़र आ रहा है मुझे. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल हाथ में लेके या कोई गिफ्ट हाथ में लेके, और सबसे बड़ा ना जो आपकी पसंद के कोई चीज़ लेके, लाइक कुछ पसंद के, लाइक आपको फूल पसंद है, आपको चॉकलेट्स पसंद है, जैसे कुछ वो, मतलब एकदम आपको क्या पसंद है इस बात का बहुत ख्याल रख जाता है. बहुत सॉरी मैं देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, यस कोई आर्गुमेंट है आपके बीच में जो वो, जिसको मतलब जो आर्गुमेंट या जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना, खास करके आर्गुमेंट, कुछ तो सेपरेशन की वजह, वो क्लियर करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है एनर्जी में जो मैं फील कर पा रही हूँ. सो एग्जैक्टली ये जो कार्ड की एनर्जी ना, वो मुझे रिफ्लेक्ट हुई थी और वही कार्ड आया है. तो डेफिनेटली इनका कॉल मैसेज आ सकता है, इनका आना आपकी तरफ हो सकता है, और स्पेशली नो ऐसे फूल लेके, जो आपके पसंद के फूल लेके आ सकते हैं. यहाँ पे 5-5 की एनर्जी नज़र आ रही, हो सकता है कि आपको इंजन नंबर 555 भी दिख रहा हो. ओके, सो द फूल, नई शुरुआत. मैंने कहा ना कि नई शुरुआत की उम्मीद बहुत ज़्यादा है. एंड यहाँ पे है ना किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल. सो जो एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है आपका, और एक अट्रैक्शन उसी तरफ है, और ये आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मतलब लिटरली इनकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी आपको देखना, आपकी आपकी फ़ोटोज़ होना उनके पास है, या डीपी स्टोरी स्टेटस कहीं पे तो आपकी पूरी तरह, आपके ऊपर पूरी तरह नज़र है. स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन की तरह वो काम करते हैं. एंड ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, कोई फंक्शन होगा या कुछ शादी वगैरह का फंक्शन या कुछ है. यहाँ पे आपका रीयूनियन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज भी कहीं पे रीयूनियन के चांसेस है. और ये जो है ना, खास करके मैं आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है जो डिस्टेंस सेपरेशन, क्योंकि आपका अगर बात भी हो रही है, कोई तो एक चीज़ है, पॉइंट है जो ना वो पकड़ के बैठे हैं, कोई तो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है पकड़ के बैठे हैं, तो वो चीज़ क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. और फाइनली नई शुरुआत होगी.
फाइनली नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. पॉसिबल है आपको इवन ट्रिपल वे एंजल नंबर भी दिखता हो. यस, तो नंबर इम्पॉर्टेंट अगेन मैंने जैसे फील किया था 3 और 7 है. एंड यहाँ पे ना किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल एक स्टेबिलिटी की तरफ, एक बैलेंस की तरफ आप लोग का एक एनर्जी मैच दिख रहा है. लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. कट द कॉर्ड्स. ट्रस्ट द यूनिवर्स. सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं. जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है. जो भी हुआ था वो भी आपके अच्छे के लिए हुआ था. एंड कट द कॉर्ड्स. जो भी निगेटिव थाट्स आपके मन में आ रहे हैं कि हो नहीं सकता, प्लीज़ आपको ये नहीं बोलना है. होगा नहीं होगा ये बाद में देखा जाएगा. यूनिवर्स की मर्जी होता है तो कुछ भी हो सकता है, मिराकल्स होते हैं. लेकिन आपको अपने मुँह से कोई भी अपने लिए निगेटिव अफर्मेशंस नहीं करने हैं. प्लीज़ कट द कॉर्ड्स. ये वाली निगेटिव एनर्जीज अपने आप से दूर कीजिए. तो ये थी रीडिंग. जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी एनर्जी में वो एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि एनर्जी वैसी है उनकी और मैं चाहती हूँ कि एनर्जी वैसे ही हो. आप फील करें कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्रेव कर रही है, मैग्नेटिक पुल फील करी है. तो आई एम क्लेमिंग रीयूनियन फॉर ऑल एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.